तो इस आरोग्य सभा में हम नीम के बारे में चर्चा करते हुए बता रहे थे कि नीम के पत्ते का सेवन, नीम के तेल का सेवन, जैसे मच्छर लग रहा है आजकल घरों में तो उसका हम केमिकल यूज करते हैं बहुत सारा चीज, तो उससे बहुत हानि होता है हमें। तो नीम के तेल को दिया में भर दीजिए और उसमें बाती लगा करके उसको जलाइए तो मच्छर आपके घर में नहीं रहेगा, मच्छर भाग जाएगा। तो ये मच्छर भगाने का बहुत अच्छा काम करता है नीम का तेल। जैसे दांतों में दर्द हो गया हो किसी को, मसूड़े में दर्द हो, दांत से मसूड़े से खून निकलता हो, मुंह में दुर्गंध हो गया हो, तो नीम के दातुन का प्रतिदिन प्रयोग करिए। तो आपका दांत का दर्द है, आपके मसूड़े से आपका खून निकलता है, आपका खोड़रा हो गया है, दांतों से मुंह से बदबू आ रही है, तो ये नीम का जो दातुन है वो सब ठीक कर देता है। साथ में आपको मंजन के रूप में थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा लवंग और इलायची का पाउडर और थोड़ा सा बबूल के छाल का कूट करके उसमें इस्तेमाल करेंगे। और गांव में अकरकरा देखें, करकरा फूलता है पीला पीला और मुंह में डालते हैं तो सिपसिप आता है, तो उस अकरकरा का एक फूल मसल करके और रख लीजिए हथेली पर और आपस में मिला करके और नीम के दातुन में लगा लगा करके और धीरे धीरे आप मुंह धोएंगे, दांत को मलेंगे तो जितना हम दांत संबंधी बीमारी बताए हैं वो जीवन में कभी भी आपको होने वाला नहीं है। इसी के लिए डॉक्टर के हमें भटकना पड़ता है। हमारा जो दंत कांति आता है पतंजलि का, उसमें अकरकरा, नीम है, बबूल है, उसमें लौंग है, इलायची है, नमक है, सब डाला हुआ है। उसका घर में भी आप बना सकते हैं बिना पैसे का, बहुत कम खर्चे में। तो आपके बहुत ही लाभकारी गुणकारी नीम के आप लाभ को ले सकते हैं।